बी वेल्दी की कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझें, और अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि उस चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखा जाए। रोज़ सुबह रात 3 बजे को आपकी नींद खुल जाती है, मार्केट का क्या होगा? मतलब आपका एसेट एलोकेशन ठीक नहीं है। आपका एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि आपको खाने के लिए पैसा उसमें आए और रात को नींद भी आए। लार्ज कैप फंड की जहाँ तक सवाल है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी एक्सिस ब्लू चिप फंड, ICICI ब्लू चिप फंड और रिलायंस लार्ज कैप। और जहाँ तक मल्टी कैप का सवाल है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी एक्सिस फोकस 25 फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 75 फंड। अगर दूसरों का परफॉर्मेंस अच्छा है तो थोड़ा वक्त दे दे, ज़्यादा पैसे ना डाले, और फिर भी अगर 4 या 6 क्वार्टर के बाद भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, फिर फंड चेंज करने की बात करें। पहले साल में आप लार्ज कैप से शुरू करें, फिर अगले साल आप मिड कैप ऐड करें, फिर तीसरे साल आप स्मॉल कैप ऐड करें, और जब ये सारी कैटेगरीज जो आपने प्लान की हैं इनमें इन्वेस्टमेंट हो जाए तो हर साल आप फिर इक्वल प्रोपोर्शन में उनमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। अगर इंडेक्स 10% एक पर्टिकुलर पीरियड में बढ़ा है तो आपका जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो उस 10% से ज़्यादा उसको परफॉर्मेंस देना चाहिए, और अगर नीचे गिरा है, मान लीजिए यही इंडेक्स आपका 10% नीचे गया है, तो आपका जो फंड है वो 10% से कम गिरना चाहिए। बी वेल्दी की अगली सीरीज में हम लाएंगे इन एक्सपर्ट्स का नजरिया म्यूचुअल फंड से जुड़े फैसलों पर, ताकि आप बन सके एक बेहतर निवेशक।